मुआज़्ज़िज़ सामईन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर मुहैयुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं शरीफ के मौके पर आप हजरात को एक और खूबसूरत कैसेट सुनाने जा रहे हैं। फनकार हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा, कलाम लिखे हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने, म्यूजिक के फराइज भी अंजाम दिए हैं तस्लीम आरिफ ने। लीजिए गौसुल आजम की 11वीं शरीफ के मौके पर ये एक खूबसूरत नजराना गौसे आजम की 11वीं शरीफ, मुलाहजा कीजिएगा। सभी के काम आती है विलायत गौसे आजम की, मिटा देती है गम सारे इनायत गौसे आजम की। बना देते हैं बिगड़े काम वो भी जमाने के, बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी जमाने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आजम की। बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी जमाने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आजम की। इसीलिए तो कहना है ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की। दस्तगीर की ये करामत समाप्त कीजिएगा। पहले बंद में क्या कहना है मुलाहजा करें। एक शहर में रहता था बशर नेक मुसलमा, नादारी के बाइस था बेचारा वो परेशान, बीवी थी उसके कोई भी औलाद नहीं थी, इस वास्ते गमगीन थी वो शाद नहीं थी, रहता था उसका अपनी गरीबी से दिल बुझा, बच्चा नहीं था कोई भी ये गम था दूसरा, एक रोज एक फकीर ने दर पे दिए सदा, खैरात भेजो अल्लाह तुम्हारा करे भला, बीवी निकल के आई और साहिल से ये कहा, कुछ पास नहीं आपको क्या चीज दें भला, बोला फकीर कम नहीं तुम क्यों उदास हो, इसके अलावा और क्या तकलीफ है कहो, बोली हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है कि घर में हमारे एक भी औलाद नहीं है, शादी हुई मुद्दत हुए है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, शादी हुए मुद्दत हुई है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, सुनते हैं ताने होता है बेहद हमें मलाल,
शौहर को भी हमारे यही रहता है मलाल। बोला फकीर ग्यारहवीं दिल से पिया करो, 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 गौसुल बरा का वास्ता देकर दुआ करो, अल्लाह के नाम पर खैरात भेजो। ये आवाज सुनकर उस इंसान की बीवी निकल कर आती है और कहती है कि बाबा हमारे पास कुछ नहीं, क्या दें। फकीर कहता है कि उदास क्यों हो, क्या तकलीफ है। कहने लगी कि हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है क्योंकि हमारे घर में 7 साल हो गई हमारी शादी को, लेकिन औलाद नहीं है अभी तक। ये सुनकर वो फकीर कहता है कि फिक्र करने की बात नहीं है, गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर की ग्यारहवीं की न्यास किया करो और उसकी बरकत से देखो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है। सामईन दूसरा बंद सुनेंगे। रोजा नमाज की रहो पाबंद बा खुशी, हर वक्त रखो दिल में अकीदत रसूल की, बाबा ये बात उसको बता कर चले गए, बीबी ये सिद्क दिल से लगी दिल में सोचने, मेरी गरीबी दूर हो औलाद भी मिले, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के, मैं ग्यारहवीं करूंगी बड़ी धूमधाम से, रखूंगी अकीदत में रसूले अनाम की, या गौसु मेरे वास्ते रब से दुआ करो, खाली है मेरी गोद खुदा राई से भरो, शौहर जो आया घर में तो उसको बता दिया, साहिल ने जो बताया था वो सब सुना दिया, शौहर ने सुन के दिल से यकीन उस पे कर लिया, देकर वसीला गौस का अल्लाह से की दुआ, क्या दुआ की। या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदके में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे, या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदके में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे, वो मेहनत तो मजदूरी से करता रहा गुजर, अब जिंदगी होने लगी आराम से बसर, रखता था दिल में याद वो पीराने पीर को, बलियों के ताजदार शहे दस्तगीर को, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, 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 एक साल बाद साहिब औलाद हो गया, एक साल बाद साहिब औलाद हो गया, एक साल बाद साहिब औलाद हो गया था। इस नेक औरत ने अपने शौहर से वो सारा वाकया कहा।
और उसके शौहर ने उस पर यकीन करके रोजा नमाज पाबंदी के साथ शुरू किए और उसकी बीवी ने ये मुराद मांगी कि या गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर, ये जो मेरी खाली गोद है इसको आबाद कर दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला उस नेक औरत की दुआ पीराने पीर दस्तगीर के सच्चे में एक साल के बाद कबूल फरमाता है और एक साल के बाद इसके घर में एक बेटा अता होता है। उसके बाद क्या हुआ समाज कीजिएगा। फिर ग्यारहवीं की उसने बड़ी धूमधाम से खैरात गरीबों को दी अल्लाह के नाम से। हर साल यूं ही ग्यारहवीं करता था वो बशर, कुदरत ने उसको और दिया ज्यादा मालो जर। लड़के भी उसको दे दिए कुदरत ने और चार, हर तौर से थी जिंदगी दोनों की खुशगवार। करता था खूब दिल से मदद वो गरीब की, बेवाओं की यतीमों की और कम नसीब की। पाबंद हुए दोनों वो रोजा नमाज के, मशहूर थे वो दोनों अल्लाह बेनियाज के। किस्मत की बात शहरों में फैली बड़ी वबा, हैजे का जोर शहरों में कुछ इस कदर बढ़ा। दो चार रोज मरते थे इंसान शहर में, एक रोज को भी आ गया बेचारा शहर में। जब शहर में हैजे की बीमारी फैली तो दो चार दिन के बाद ये इंसान भी उसके सदमे आ जाता है और इसकी हालत इस कदर बिगड़ती है, आंखें पथरा जाती हैं। लेकिन मरते वक्त ये अपनी बीवी को क्या नसीहत करता है, जरा इस बात पर गौर फरमाएं। तय दस्त हुए शाम को हालत बिगड़ गई, पथराई आंखें सांस भी उसकी उखड़ गई। कहने लगा वो बीवी से कुछ गम न कीजियो, तुम याद गौसे पाक की कुछ कम न कीजियो। बच्चों को अपने प्यार से तुम पालना सदा, मैं सर पे उनके छोड़ता हूँ साया गौस का। कल ग्यारहवीं है काम सब करना उसूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हर किस न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हर किस न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हर किस न भूल के। अगर मैं मर भी जाऊं तो देखो कल 11वीं तारीख है 11वीं शरीफ की, और जिस तरीके से मैं हर साल ही गौसे आजम दस्तगीर की नियाज करता हूं, तुम इसको भूल मत जाना। मैं मर भी जाऊं तो तुम ये 11वीं की नियाज जरूर करा लेना। और क्या क्या कहता है वो अपनी बीवी से, लीजिए सामईन मुलाहजा फरमाइए। मैयत को मेरी घर में छुपा लेना मेहरुबा, रोना ना हर किस मौत को करना ना तुम आया। कहना महल्ले वालों से शौहर नहीं है घर, तुम ग्यारहवीं का काम करो घर में सब बशर। तैयार खाना करके दिलाना नियाज तुम, खाना खिला के सबको बताना ये राज तुम। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए। वो कहता है कि मैयत को मेरी घर में छुपा लेना,
और हरगिज रोना नहीं। मोहल्ले वालों से कहना कि मेरा शौहर घर नहीं है, तुम ग्यारहवीं शरीफ की न्याज में हमारा हाथ बटा दो, काम करवा लो, और जब खाना तैयार हो जाए तो उस पर न्याज दिलाकर सबको खिला देना, और उसके बाद जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात सबको बता देना। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए, दफनों कफन का काम करेंगे सभी बशर, कर लेना सब्र पालना बच्चों को बेखतर, अल्लाह निगहबान है बंदों का हर घड़ी, वो टालता है सर से मुसीबत बड़ी बड़ी, जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, अच्छा मैं जा रहा हूँ मेरी बीवी बावफा, शौहर जो मरा उसका तो बिजली सी गिर पड़ी, तूफान गम से दिल में पड़ी उसके खलबली, शौहर की वसीयत पे मगर कर लिया अमल, मैयत को घर में रख लिया पोशीदा तौर पर, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, 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 गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर हर के वक्त ये बेचारा गौस का दीवाना, गौस का चाहने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन बीवी को ये वसीयत कर जाता है कि मेरे बच्चों को बड़े प्यार से पालना, बीवी ने अपनी शौहर के वसीयत के मुताबिक मैयत को घर में रख लिया, बच्चे सो रहे थे उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे वालिद का क्या हुआ, और उस नेक औरत ने गौसुल आजम का नाम लेकर दिल में सब्र कर लिया, लेकिन इस सब्र का इनाम हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर किस तरह अता फरमाएंगे, समाप्त कीजिएगा हजरात। उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज, उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज, बुलवाए उसने अपने महल्ले के आदमी, और ग्यारहवीं के काम बताए उन्हें सभी, बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगे पक गई, बीवी कहने लगी मोहल्ले वालों से कि मेरे शौहर किसी काम से दूर गए हैं, आप लोग ये ग्यारहवीं की न्याज में शिरकत कर लीजिए। सब लोगों ने मिलजुल कर सब इंतजाम किया, और जब बिरयानी की देगे तैयार हो गई तो फिर सबको बुलाया गया खाने के वास्ते, कहते बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगे पक गई, सबको बुलाया घर में फिर खाने के वास्ते, पाता फिर गौस की आकर बुजुर्ग ने, खाने के लिए बैठ गए सारे आदमी, शामिल थे उन्हीं लोगों में उस दम बुजुर्ग भी, बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए, खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके, बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए,
खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं उस नेक औरत से, क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। बोले बुजुर्ग कोई भी हर चीज न खाएगा जब तक के यहाँ साहिबे खाना न आएगा। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई उस वक्त तक खाना नहीं खा सकता जब तक के साहिबे खाना यानी मकान मालिक यहाँ नहीं आ जाएगा, हम सब लोग उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। लेकिन बीवी ये सुनकर कहती है, बोलिए बीवी घर नहीं शौहर मेरा हुजूर, होते अगर तो साथ में खाते यहाँ जरूर। बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, 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 खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न बोले बुजुर्ग साहिबे खाना ना आएगा, खाना ये सब हराम है कोई ना खाएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक मकान मालिक नहीं आएगा हम सब इस खाने को नहीं खा सकते, ये हम पर हराम है। तो मजबूर होकर उस शख्स की बीवी फिर किस तरह से अपने शौहर के मरने का राज उन सब पर आया करती है। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा सामीन। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। मरने से पहले हमको नसीहत ये कर गए, करना तू ग्यारहवीं का सभी काम खुशी से, खाना खिला के मौत का इजहार कीजियो, तब तक कहीं मैयत मेरी पोशीदा कीजियो। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर ग्यारहवीं का काम कोई हो न पाएगा। वो औरत कहती है कि बुजुर्गवार अगर मैं पहले इस बात को बता देती तो शायद आप लोगों में से कोई खाना नहीं खाता, इसलिए मेरे शौहर ने ये नसीहत की थी कि जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात बताना। मगर वो बुजुर्ग कहते हैं कि हम खाना तो खाएंगे ही नहीं, कहाँ है वो मैयत जरा हमको तो दिखाइए, वो कौन गौस का ऐसा चाहने वाला है जो मरते मरते भी ये नसीहत कर गया है कि न्याय जरूर करना और मेरी मरने की कोई फिक्र मत करना। हजरात जब वो बुजुर्ग उस औरत से ये कहते हैं तो आगे क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर ग्यारहवीं का काम कोई हो न पाएगा। बोले बुजुर्ग लाओ उस मैयत को उठा के, सब लोग उस मैयत को लाए रखी सामने। सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर तो उड़ाओ, फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ।
जो लोग इस बज में शामिल थे, दावत में आए थे, वो बुजुर्ग कहते हैं कि लाओ इस मैयत को एक चादर उड़ा दो और सब लोग जरा दुआ के लिए हाथ उठाओ। हा हा हा। सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर तो उड़ाओ, फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। एक नूर सा नाजिल हुआ मुर्दा वो जी उठा, चेहरा सभी का परते मसरत से खिल गया। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस, बुजुर्ग और कोई नहीं थे, हजरत गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर खुद बुजुर्ग की शक्ल में अपने चाहने वाले के यहाँ आए थे और आपने अपने एक चाहने वाले की लाज किस तरह रखी ये आपने सुना। लीजिए मुलाजा फरमाइए ये मक्फे का बंद। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये हजरात। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का एक और वाकया आप हजरात की नजर कर रहा हूं और ये वाकया भी 11वीं शरीफ से मुतालिक है। वाकया सुनने से पहले कता जनाब शौक साहब का और समात फरमा लें। कहना है वलियों के शहंशाह रब्बानी या अब्दुल कादिर जीलानी, है देव तुम्ही को सुल्तानी या अब्दुल कादिर जीलानी, नामुमकिन को मुमकिन करना ये काम तुम्हारा है आका, वलियों में नहीं कोई सानी या अब्दुल कादिर जी।
दिलानी। बेशक नामुमकिन को मुमकिन करना ये काम तुम्हारा है आका, वलियों में नहीं कोई सानी। या अब्दुल कादिर जीलानी, क्योंकि है नामो नसब कितना आला, तुम हसनी हुसैनी हो आका, अलकाब है कुतबे रब्बानी या अब्दुल कादिर जीलानी। इसलिए कहना है, है एक और वाकया, है एक और वाकया पीरान पीर का, है ये भी ग्यारहवीं का एक दुर्दर्द माजरा, है ये भी ग्यारहवीं का एक दुर्दर्द माजरा, है ये भी ग्यारहवीं का एक दुर्दर्द माजरा। ग्यारहवीं का एक दुर्दर्द माजरा, है ये भी ग्यारहवीं का एक दुर्दर्द माजरा, है ये भी ग्यारहवीं का एक दुर्दर्द माजरा। मुलाहिज़ा कीजिएगा, पहला बंद, सच्चाई और झूठ तो छुपते नहीं कभी, धोखा नहीं खाते कभी अल्लाह के वली, ओ सच्ची अकीदत तो सिला मिलता है जरूर, मिलता है सदाकत से हमें शाह खुशी का नूर। ऐसा ही एक वाकया है दोस्तों सुनो, इबरत का सबक पाओगे तुम इसमें मोमिनों। एक शहर में एक आदमी रहता था मालदार, करता था तिजारत का बहुत ऊंचा कारोबार, नामो नमूद की उसे ख्वाहिश थी हर घड़ी, लेता था सूद दीन से उसको लगन न थी, एक साल ग्यारहवीं का एक जलता किया गया, तकरीर हुई जिक्र हुआ गौसे पाक का, तारीख साबिका जो बयां की गई वहां, तफसील से सुनाया गया पास का बयां। रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की। इस मालदार आदमी को सिर्फ अपने नाम की ख्वाहिश थी और ये सूद लिया करता था, बड़ी लगन थी इसको सूद लेने की। एक साल जब ग्यारहवीं शरीफ का जलसा हुआ और तकरीर में गौसे आजम का जिक्र हुआ, तो ग्यारहवीं शरीफ के बारे में उसकी फजीलत बताई गई कि जो ग्यारहवीं करेगा शहे दस्तगीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की। ये सुनकर उस मालदार ने क्या किया अपने नाम के लिए, सुनिएगा। इस मालदार आदमी ने दिल में ये कहा, रहमत तो क्या मिलेगी मगर
नाम उठेगा। नामो नमूद के लिए की जारूबी मगर खाना खिलाया सिर्फ रईसों को बुलाकर। उसके अजीजो अकरुबा खाते थे सब तो आम, लेकिन किसी गरीब से करता न था कलाम। साइल जो कोई आता तो उसको न खिलाता, मोहताज गरीबों को बुरा कह के भगाता। एक साल उसने ग्यारहवीं की धूम धाम से खाना बनाया उमदा बड़े एहतमाम से। मेहमान दूर दूर के सब उसने बुलाए, और शहर के रईस भी खाने को सबाए। एक शख्स जो गरीब था उसका अजीज तर, दावत में वो भी आ गया खाने को उसके घर। भूखा फकीर आया एक कमजोर ना तवा, भूखा फकीर आया एक कमजोर ना तवा, भूखा फकीर आया एक, भूखा फकीर आया एक कमजोर ना तवा। खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान, की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान, की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान। उसने इस बार जो ग्यारहवीं की सब शहर के रईसों को बुलाया, लेकिन उसका एक रिश्तेदार भी इस दावत में आया। भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा, खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमा। एक भूखा फकीर भी बाहर खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था कि शहर के सारे रईस खा रहे हैं। जब उसने खाने की तरफ नजर डाली तो इसके यहाँ जो इसका एक गरीब रिश्तेदार आया हुआ था, इसने उस भूखे फकीर से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। साइल से उस गरीब ने की अर्ज शाह की, खाना हमारे साथ खाए आके आप भी। ये सुन के वो बुजुर्ग उसके पास आ गए, पास उसने एहतराम से अपने बिठा लिए। इतने में उधर साहिबे खाना भी आ गया, जो देखा उन बुजुर्ग को तो ताओ खा गया। बोला वो उस गरीब से बेहूदा है बड़ा, क्यों बुढ़े इस फकीर को तूने बिठा लिया। है हाथ पांव मिट्टी में इसके अटे हुए, मैले पुराने कपड़े हैं इसके फटे हुए। तू इसको साथ लाया है मेरे मकान पर, पट्टा लगेगा इससे बड़ा मेरी शान पर। ये कह के मालदार ने धक्का लगा दिया, बेचारे उन बुजुर्ग को नीचे गिरा दिया। बोला गरीब आपने बेहद बुरा किया, लो अब ये खाना आपका मैं भी न खाऊंगा। तुम दिल से अगर मानते किरान पीर को, उठाते नहीं भूखे फकीर को, खाने से उठाते नहीं भूखे फकीर को।
आए हैं, क्या गजब किया इसने। वो भूखा फकीर जो दावत में शरीक हो गया था ग्यारहवीं की, इसके गरीब रिश्तेदार के साथ जब मकान मालिक उधर से गुजरा, साहिब खाना आया, कहने लगा तो कि तू इसको साथ लाया है मेरे मकान में, बट्टा लगेगा इससे बड़ा मेरी शान में। और ये कहकर मालदार ने एक धक्का जो दिया तो बेचारे वो बुजुर्ग नीचे गिर गए। लेकिन इसका ये गरीब रिश्तेदार कहता है कि आपने ये बहुत बुरा किया, लो अब मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। अगर तुम दिल से मेरे पीराने पीर को मानते तो इस भूखे फकीर को खाने से कभी नहीं उठाते। ये कहकर वो मकान से नीचे उतर गया और उन बुजुर्ग से क्या कहा समाप्त कीजिएगा। ये कह के वो मकान से नीचे उतर गया, इज्जत से शाह जी को जमीन से उठा लिया। की माजरत हुजूर खता दर गुजर करो, मेरा कसूर है के बुलाया था आपको। बोले वो शाह जी नहीं तेरी कोई खता, खाता ना इसको मैं के ये खाना है सूद का। क्या तुमने ग्यारहवीं के लिए कुछ नहीं किया, बोला चनी की रोटी पे दिलवाई फातिहा। घर ले गया और अर्ज की ये रोटी खाइए, लिल्लाह मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइए। फिर शाह जी ने पास में अपने बिठा लिया, रोटी वो खाई और फिर अल्लाह से की दुआ। या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे, या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे, या रब तू इस गरीब को, या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे। इस ग्यारहवीं की पाता का अज्र खुदा दे, जब इसने उन शाह जी को उठाया और कहा कि हुजूर मुझसे खता हो गई, मैंने ये आपकी बेइज्जती कराई, लेकिन शाह जी कहते हैं कि नहीं इसमें तेरी कोई खता नहीं है, ये तो वैसे ही सूद का खाना था, इसको मैं वैसे ही नहीं खाता, क्या तुमने ग्यारहवीं के लिए कुछ नहीं किया है। वो गरीब कहने लगा कि हुजूर मैंने चनी की रोटी पे फातहा दिलवाई है। अपने साथ उन शाह जी को ले गया और कहा कि हुजूर इस रोटी को खाइए और मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइएगा। फिर शाह जी ने उनको अपने पास बिठाकर वो रोटी खाई और अल्लाह से दुआ की कि या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे और इस ग्यारहवीं की फातहा का अज्र खुदा दे। ये दुआ देने के बाद वो फकीर, वो शाह जी पूछते हैं कि क्या मुश्किल है, क्या चाहता है बता। तो ये गरीब क्या कहता है उनसे सुनिएगा। बोले ये शाह जी के कोई खास काम हो, अल्लाह कारसाज है तुम हमको बताओ। बोला वो दो हैं लड़कियां और मैं गरीब हूं, शादी करूं मैं कैसे बड़ा बदनसीब हूं। बोले वो शाह जी के तुम कल ऐसा कीजियो, नीलाम होगा कोयला तुम बोली लगाइयो, पैसा मिलेगा बेटियों की शादी करोगे, रहमत से अल्लाह पाक की आबाद रहोगे। वो सूद खार करता है लालच में ग्यारहवीं, खाना नहीं खिलाता गरीबों को बदयकीन।
गुस्ताखी वो करता है गरीबों की शान में। अब आग लगने वाली है उसके मकान में। ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए। कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के। कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के। कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के। शाहजी कहने लगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बड़ा कारसाज है, सारी मुश्किलें आसान करेगा इस 11वीं के सस्ते में। तुम ऐसा कीजियो, कल कोयला नीलाम होगा उसकी बोली लगेगी, तुम उसकी बोली लगा देना और फिर देखो क्या होता है। हजरात ये आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा जनाब शौक वजीर गंजवी साहब। आखिरी बंद में कहते हैं, वो दूसरे दिन कोयले की नीलाम पर गया, बोली लगाई उसने तो कोयला उसे मिला। मांगी रकम जो कोयले की मजबूर वो हुआ, फिर 3 दिन का वक्त उसे और मिल गया। एक सेठ के हाथ उसने वो नीलामी बेच दी, फिर 10,000 रुपए की उसको नफा मिली। हजरात कोयले की नीलामी इसके नाम हो जाती है, लेकिन पैसा देने के लिए नहीं था, मगर 3 दिन की मोहलत इसे और मिल गई और इसने वो नीलामी एक सेठ के हाथ बेच दी और उसको 10,000 रुपए की नफा मिलती है। उस नफा से क्या होता है, ये अपनी बेटियों की शादी कर देता है। इसलिए तो कहना है, जो रंग जो अलम दिल पे था वो दूर हो गया, कि लड़कियों की शादी वो मसरूर हो गया। उस सूदखार के मकान में आग लग गई, सामान जला हो गई बर्बाद जिंदगी। अल्लाह ने उस गरीब को खुशहाल कर दिया, मगरूर सूदवार को पामाल कर दिया। ऐसा तो बड़ी शान है ईरान पीर की। ऐसा तो बड़ी शान है ईरान पीर की। ऐसा तो बड़ी शान है। ऐसा तो बड़ी शान है ईरान पीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की। करम है बॉस के रब्बे कदीर की। नजरे 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 करम है बॉस के रब्बे कदीर की। Yeah.
अजमत पे लाखों सलाम, गौसे आजम की अजमत पे लाखों सलाम। आपकी शान शौकत पे लाखों सलाम, आपकी शान शौकत पे लाखों सलाम, गौसे आजम की अजमत पे लाखों सलाम, गौसे आजम की अजमत पे लाखों सलाम। आईने बन गए दीदी के दिल, आईने बन गए उनकी नूरानी सूरत, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। चोर को दी मुआ की बलि कर दिया, चोर को दी मुआफी बलि कर दिया, इस अनोखी सहावत, इस अनोखी सहावत पे लाखों सलाम, इस अनोखी सहावत पे लाखों सलाम। रसाई हुई जिससे प्यारे नबी तक रसाई हुई, उस बली सास निस्बत, उस बली सास निस्बत पे लाखों सलाम, उस बली सास लाखों सलाम। देख कर जिसको डाकू भी उस सदा
तक मिला तू सलाम की उस सदा तक मिला तू सलाम। उस विलायत दिला तू सलाम गौस की उस विलायत दिला तू सलाम। आपकी शान शौकत पे लाखों सलाम आपकी शान शौकत पे लाखों सलाम। गौस आजम की मत मिला तू सलाम गौस आजम की अज़्ली मत मिला